हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के सेकंड बुक यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में मुद्रा एवं बैंकिंग यानी मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो आपके क्लास 12 जैक बोर्ड टर्म 2 एग्ज़ाम 5 अप्रैल 2022 यानी कल के एग्ज़ाम के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में सेकंड बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी मुद्रा एवं बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। देखिए पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली। पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ। वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ मतलब कमियाँ परेशानी। पहला है दोहरे संयोग का अभाव। पहला है दोहरे संयोग का अभाव। इसमें दूसरा है क्रय शक्ति संचय में कठिनाई। क्रय शक्ति संचय में कठिनाई। तीसरा है मूल्यमापक का अभाव। मूल्यमापक का अभाव। चौथा है वस्तु विभाजन में कठिनाई। वस्तु विभाजन में कठिनाई। पांचवा है मूल्य हस्तांतरण का अभाव। मूल्य हस्तांतरण का अभाव। आगे देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुद्रा का अर्थ। मुद्रा का अर्थ मुद्रा की परिभाषा मीनिंग ऑफ मनी। मुद्रा क्या है ये एग्ज़ाम में 2 नंबर में आएगा 2 मार्क्स में आएगा। मुद्रा क्या है मुद्रा का अर्थ बताइए। आगे है अलग अलग अर्थशास्त्री के अनुसार मुद्रा की परिभाषाएं। ठीक है अलग अलग अर्थशास्त्री के अनुसार मुद्रा की परिभाषाएं। आगे देखिए आगे है मुद्रा के कार्य। आगे है मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य सबसे अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुद्रा के कार्य फंक्शन ऑफ मनी। इसमें पहला है प्राथमिक कार्य प्राइमरी फंक्शन। पहला ए नंबर है प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी फंक्शन। मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य हैं पहला विनिमय का माध्यम दूसरा मूल्य का मापक। देखिए विनिमय का माध्यम का एक्सप्लेन। विनिमय का माध्यम पहला है दूसरा है मूल्य का मापक। दूसरा है आपका मूल्य का मापक यानी मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य हैं पहला विनिमय का माध्यम दूसरा मूल्य का मापक। आगे देखिए मुद्रा का सेकेंडरी फंक्शन मुद्रा का द्वितीय कार्य मुद्रा का गौण कार्य मुद्रा का सहायक कार्य सेकेंडरी फंक्शन। मुद्रा के 3 गौण कार्य हैं मुद्रा के 3 सहायक कार्य हैं द्वितीय कार्य है सेकेंडरी फंक्शन है 3 ठो। पहला है स्थगित भुगतान का मान। दूसरा है मूल्य का संचय। तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण। तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण। देखिए आगे है श्रेष्ठ मुद्रा के गुण। आगे है श्रेष्ठ मुद्रा के गुण। एक श्रेष्ठ मुद्रा पदार्थ में क्या क्या गुण होते हैं इसमें उपयोगिता होती है यह टिकाऊ होती है इसको सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं इसमें सभी इकाइयों में एक रूपता होती है यह मूल्य स्थिरता वाला होती है यह मूल्य का मापन करती है यह मूल्य का संचय करती है ये सब गुण है मुद्रा का। आगे है मुद्रा के दोष। आगे है मुद्रा के दोष। मुद्रा के क्या क्या दोष होते हैं देखिए। आगे है मुद्रा की मांग क्यों की जाती है हम लोग मुद्रा को अपने पास तरल रूप में क्यों रखते हैं। मुद्रा को तरल रूप में क्यों रखते हैं मुद्रा को सबसे तरल साधन कहा गया है क्यों मुद्रा की मांग क्यों की जाती है तो इसका अलग अलग उद्देश्य है सौदा उद्देश्य दूरदर्शिता उद्देश्य सट्टा उद्देश्य। पढ़ लीजिएगा इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मॉडल सेट में दिया गया है।
आगे देखिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इस कथन की व्याख्या कीजिए। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, इस कथन को प्रोफेसर हॉर्टले विदर्स ने दिया है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं? पहला, प्रकृति के आधार पर मुद्रा को दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट में है वास्तविक मुद्रा, रियल मनी, और सेकंड है हिसाब की मुद्रा। ठीक है, सेकंड है हिसाब की मुद्रा। आगे है सामान्य स्वीकृति। सामान्य स्वीकृति के आधार पर वर्गीकरण, स्वीकार के आधार पर मुद्रा को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला विधिग्राह्य मुद्रा, दूसरा ऐच्छिक मुद्रा। पहला है विधिग्राह्य मुद्रा, दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। आगे देखिए, भौतिक रूप के आधार पर। भौतिक रूप के आधार पर मुद्रा के तीन प्रकार होते हैं। पहला धातु मुद्रा, दूसरा कागजी मुद्रा, और तीसरा साख मुद्रा। तीसरा है क्रेडिट मनी, साख मुद्रा। आगे देखिए बैंक। आगे आपका आ जाता है बैंक। बैंक किसे कहते हैं देख लीजिए, एग्जाम में दो नंबर में आ सकता है, बैंक किसे कहते हैं। आगे देखिए बैंकों का इतिहास। यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन दो मार्क्स में आ सकता है। बैंक का अर्थ पूछ देगा, बैंक शब्द की उत्पत्ति पूछ देगा, सबसे पहले बैंक का स्थापना कहाँ हुआ था पूछ देगा। ठीक है, भारत में बैंकों का शुरुआत, भारत में बैंकों का शुरुआत कब हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। SBI RBI का गठन कब हुआ था पूछ सकता है। RBI का स्थापना, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था पूछ सकता है। भारत का पहला निजी बैंक का नाम बताइए पूछ सकता है। आगे देखिए, आगे पूछेगा वर्तमान में कितने व्यापारिक बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। ठीक है, RBI का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है, सबसे बड़ा व्यावसायिक सरकारी बैंक का नाम बताइए, ये सब पूछ सकता है। आगे है बैंक दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, व्यावसायिक बैंक। ठीक है, बैंक दो तरह का होता है, पहला सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक, दूसरा कॉमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक, व्यावसायिक बैंक। देखिए पहला केंद्रीय बैंक का डेफिनेशन। केंद्रीय बैंक क्या है पढ़ लीजिए। केंद्रीय बैंक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। आगे देखिए केंद्रीय बैंक का विशेषता, केंद्रीय बैंक का गुण। आगे देखिए व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक क्या होता है देखिए, व्यापारिक बैंक किसको बोलते हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक की क्या विशेषताएं हैं, कॉमर्शियल बैंक की क्या विशेषताएं हैं देख लीजिए, क्या क्या गुण हैं। आगे है केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक के कार्य सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला नोट जारी करने का अधिकार, पहला नोट जारी करने का अधिकार है केंद्रीय बैंक को। दूसरा सरकार का बैंकर, एजेंट, वित्तीय परामर्शदाता। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है, सरकार का एजेंट होता है, भविष्य का सलाहकार होता है, परामर्श देने वाला सलाहकार, सलाह देने वाला होता है। आगे देखिए बैंकों का बैंक, तीसरा काम है बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक पूरे देश में बैंकिंग प्रणाली को संचालित करती है। आगे देखिए केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है। चार नंबर कार्य है, केंद्रीय बैंक अंतिम ऋण देने वाला होता है। आगे है पाँच नंबर, केंद्रीय बैंक साख मुद्रा का नियंत्रण करती है। केंद्रीय बैंक साख मुद्रा का नियंत्रण करती है। आगे टॉपिक है व्यापारिक बैंक के कार्य। व्यापारिक बैंक के कार्य देखिए, कॉमर्शियल बैंक का क्या क्या कार्य है देखिए। पहला ए नंबर है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य में पॉइंट नंबर एक, जमा स्वीकार करना। पॉइंट नंबर दो, ऋण देना, ऋण देना। पॉइंट नंबर तीन,
पॉइंट नंबर तीन है साख मुद्रा का निर्माण करना, साख मुद्रा का निर्माण करना, साख मुद्रा का सृजन करना। आगे बी नंबर है सेकेंडरी फंक्शन गौण कार्य सहायक कार्य, ठीक है आगे है गौण कार्य सहायक कार्य। आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है समझिए, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक में क्या अंतर है देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे नोट, नोट में है पहला करेंट डिपॉजिट चालू खाता किसको बोलते हैं, आगे है नोट नंबर दो सेविंग डिपॉजिट बचत खाता किसको बोलते हैं, आगे है तीन नंबर फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा एफडी किसको बोलते हैं एफडी, आगे है रिकरिंग डिपॉजिट आरडी आवर्ती जमा क्या होता है, आगे है बचत जमाएं एवं समय अवधि जमाएं में क्या अंतर है, बचत जमा एवं समय अवधि जमा में क्या अंतर है, आगे है नगद साख एवं अधिविकर्ष में क्या अंतर है, नगद साख एवं अधिविकर्ष में क्या अंतर है। ये सब प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है जो एग्जाम में बार बार आता है। आगे टॉपिक है चेक एवं ओवरड्राफ्ट में क्या अंतर है, चेक एवं ओवरड्राफ्ट में क्या अंतर है, यानी चेक एवं अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट में क्या अंतर है, चेक और ओवरड्राफ्ट में अंतर एग्जाम में बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए आगे है मुद्रा की पूर्ति क्या है, मनी सप्लाई किसको बोलते हैं, मुद्रा की पूर्ति क्या है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक दर एवं ब्याज दर में क्या अंतर है, बैंक दर एवं ब्याज दर में क्या अंतर है, बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें, यानी केंद्रीय बैंक द्वारा साख मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन करें। यह प्रश्न आपका पाँच नंबर में आएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसका पहला पॉइंट है बैंक दर नीति, पहला है बैंक दर नीति बैंक रेट पॉलिसी, दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरा है नगद कोष अनुपात में परिवर्तन चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो CRR में परिवर्तन, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन तीसरा, चौथा है संबंधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन, संबंधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन चेंज इन स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR में परिवर्तन, संबंधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। आगे है CRR एंड SLR में क्या अंतर है, नगद कोष अनुपात एवं संबंधिक तरलता अनुपात CRR एंड SLR में क्या अंतर है समझिए। आगे देखिए मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य को बताइए, मौद्रिक नीति को केंद्रीय बैंक लागू करता है, इंडिया में RBI लागू करता है। मौद्रिक नीति का मतलब है निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए साख मुद्रा को नियंत्रित करना, निर्देशन करना, सरकार के अंडर में केंद्रीय बैंक करता है, जिसके चार उपकरण हैं, पहला बैंक दर, दूसरा खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरा नगद कोष अनुपात, चौथा संबंधिक तरलता अनुपात। आगे देखिए आगे है नोट साख गुणक क्या है, क्रेडिट मल्टीप्लायर साख गुणक क्या है, ये दो नंबर में आ सकता है, दो नंबर में आएगा ये सवाल, दो मार्क्स में आएगा साख गुणक क्या है। आगे देखिए रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को जिस दर से ऋण देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। आगे है रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, व्यापारिक बैंक का अतिरिक्त जमा पैसा केंद्रीय बैंक के पास
जमा हो जाता है, केंद्र बैंक के पास जमा रख देता है, तो केंद्र बैंक उसको कुछ ब्याज देता है। तो व्यापारिक बैंक जब अपना दिन प्रतिदिन का अतिरिक्त जमा पैसा केंद्र बैंक के पास रख देता है तो उसको केंद्र बैंक ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी यदि व्यापारिक बैंक केंद्र बैंक से ऋण लिया तो केंद्र बैंक उससे ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा, उसको बोलेंगे रेपो रेट। लेकिन जब व्यापारिक बैंक अपना अतिरिक्त पैसा केंद्र बैंक के पास जमा रख देगा तो केंद्र बैंक उसको ब्याज देगा, उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। आगे देखिए, व्यापारिक बैंकों द्वारा साख मुद्रा का निर्माण कैसे किया जाता है, साख मुद्रा का सृजन कैसे होता है, समझिए। देखिए फिगर, साख निर्माण प्रक्रिया में हम बैंक में जो पैसा जमा करते हैं उसको प्राथमिक जमा, नगद जमा कहते हैं, और मेरा जमा पैसा बैंक जब दूसरे व्यक्ति को लोन देने के लिए, ऋण देने के लिए उसके खाते में पैसा को ट्रांसफ़र कर देता है तो उसको व्युत्पन्न जमा कहते हैं, साख जमाएँ कहते हैं। प्राथमिक जमा और व्युत्पन्न जमा, बैंक की जमाएँ दो प्रकार की होती है। हम जो जमा किए वह प्राथमिक जमा है, और व्यापारिक बैंक लोन देने के लिए, ऋण देने के लिए दूसरों व्यक्ति के खाता में पैसा जमा कर देता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न जमा, और व्युत्पन्न जमा से ही साख मुद्रा का निर्माण होता है, साख मुद्रा का सृजन होता है। आगे देखिए एग्जाम्पल को देख लीजिए। आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत में मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक परिभाषाएं क्या है, यानी भारत में मुद्रा पूर्ति की माप की चार अलग अलग पॉइंट क्या है। पहला है M1 माप, दूसरा है M2 माप, तीसरा है M3 माप, और चौथा है M4 माप। यह एग्ज़ाम में आएगा ही, यह इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत में मुद्रा पूर्ति का चार माप है, M1, M2, M3, M4, देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखें, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।